कान्हा जी उठ जाइए, गुड मॉर्निंग हो गया। ओहो, आँख खुले हुए हैं। आप आँख बंद करते हैं कि नहीं रात में? कि रात में भी आँख खुला ही रहता है आपका। पूरा दुनिया को देखने का जिम्मेदारी है आप पे। बोलेंगे मीठा मीठा बोल रही है, ऐसे उठाने नहीं आती है। अभी मम्मी घर पे नहीं है तो उठाने आ रही। अब आपको एक हाथ से तो उठाएंगे नहीं, ऐसे तो बहुत छोटे से एक हाथ में आ जाएंगे। लेकिन आप प्रभु है ना, और प्रभु जी को प्रभु जी की तरह ही उठाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तब प्यारा स्वागत हुआ है, बताइए। जो पूरा दुनिया को चलाता है वो आपको वेलकम कर रहा है ब्लॉग में। गाइस, लड्डू गोपाल आपको वेलकम कर रहे हैं, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। अक्सर तुमसे मिलके मुझको घर सा लगता है, मेरे बाके बिहारी लाल ना इतना किया करो श्रृंगार, नजर तो है लग जा। स्माइल कर रहे खूब। ये देखो मेरे कान्हा जी का बिस्तर है, बेड है, ये तकिया है, लेकिन तकिया के साइज के हमारे कान्हा जी हैं। ओके सो गाइस, हम हो रहे हैं लेट। साला पसीना इतना है ना, कल ही बाल धोए लेकिन फिर भी अभी एकदम पसीना पसीना हो गया बाल। अब मेरे बाल एकदम जंगली टाइप फैल गया है, तो हम अपना आज अपना बाल स्ट्रेट भी करेंगे। आज हम बाहर जा रहे हैं मेरी दोस्त लोग से मिलने, और मम्मी पापा तो है नहीं, घर में मन लग नहीं रहा है। फ्रेंड बोली आओ भाई मिलते हैं, बहुत दिन बाद मिलने जा रहे हैं अपने फ्रेंड से, तो आप लोग जानते भी हो, अभी मिलवाएंगे तो पता चल जाएगा कौन है। ये कुर्ती अपना आयरन करके रख दिए हैं, आएंगे तो कुर्ती पहनेंगे। दुपट्टा को आयरन करने का जरूरत नहीं पड़ा, एकदम सीधा था। कुर्ती आके पहनेंगे, उसके बाद कंबल चढ़ी आएंगे, उसके बाद दूध मकाना खाएंगे और फिर जाएंगे। दादी कहने रखी हो ले। हमारे कान्हा जी को भोग लग रहा है, तुलसी पत्ता डाल दिए। कान्हा जी भोग लगा लीजिएगा ठीक ना। हरे कृष्ण हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा वाह 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 वाह। कान्हा जी मेरे साथ होली खेल लिए। भगवान जी आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि अगले जन्म में भी हम ब्लॉगर ही बने और हमको दो की जगह तीन हाथ दीजिएगा। क्योंकि हम आपके लिए चीनी लेके आते हैं, कि हम तो छेना में चीनी खाते हैं, तो कान्हा जी को भी छेना में चीनी देंगे ना। तेरा पास तो उमराऊ जा, तुझे देखा तो जा गया अरमा। इसमें चीनी है? ज्यादा चीनी नहीं, इतना काफी है। खा लेना कान्हा, ठीक है, अच्छे से खा लो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी जल्दी में भोग लगा रहे हैं यार, हमको पूजा में फॉर्मेलिटी करने का मन नहीं करता है। लेकिन फॉर्मेलिटी में और जल्दीबाजी में फर्क होता है, समटाइम्स आई मीन जल्दीबाजी, तो भगवान जी भी समझते हैं कि हाँ भाई लड़की जल्दी में है, मेकअप ठीक है ना मेरा, ठीक है, बाकी तो आप लोग समझ में करते। चलिए चलिए, लेट हो चुका है भाई, सोच रहे हैं कि चश्मा लगा ले क्या, बहुत धूप है बाहर भाई, मर जाएंगे नहीं लगाएंगे तो। लगा लेते हैं, लेकिन बहुत अजीब टाइप का लगता है चश्मा, पर कोई बात नहीं। बॉम्बे जा रही है? बॉम्बे क्यों जाएंगे? चश्मा, अरे धूप बहुत दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई धूप में इतना अच्छा से दिखाई देगा, घर में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सस्ता वाला है 150 का, तो हम अभी टाइटन का चश्मा कहाँ से लेंगे? 5000 का हम चश्मा खरीदो। जी आप भी ना, अभी 100 रुपया लेके जा रहे हैं, ये खराब हो जाए ना, हुई 150 का चश्मा किया खराब हो जाए। नहीं मसाला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दादाजी सही बोले। चलो आज तुम लोग अपने दोस्त लोग से मिलवाते हैं, बहुत दिन नहीं मिले हम शना से, और मेरे एक और दोस्त है उसके हॉस्टल जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, बाल खोलेंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो ढीला भी है, अगर आंखें के सामने गिर भी रहा है, बट अगर तुम पहन के निकल जाओ खासकर मोहल्ले में, एवरीवन इज लाइक बहुत पैसा आ गया क्या जिंदगी में, 150 रुपया दिया है, 150 150 एकदम सब कमाने वाली मैडम समझ लेते हैं, ऑटो वाला सब भी, अरे मैडम आइए मैडम इधर, मार कर लेगा सब अपने में, चश्मा लग जाओ तो। नहीं देखो, कमाने वाली मैडम होना बुरा नहीं है भाई, कमाने वाली मैडम होनी चाहिए। ये दोस्त आ गई, इसका दर्शन, अरे मुंह नहीं दिखाई बहन अपना, अरे मत तो मुझे। ठीक है ठीक है, तुम आगे देखो, ये अच्छी लड़की है, ये आगे देख के गाड़ी चलाती है। ठीक है ना गाइस, ये अच्छी लड़की है, आगे देख के गाड़ी चलाती है। इन लड़के सबको बहुत बदनाम कर दिया है बहन, जितना बुरा बुरा क्लिप है ना, अब दिखा दिया है, लड़की ऐसे उड़ा दी, वहाँ एक लड़का खड़ा था उसको पूरा उड़ा दी थी। सुख सुख बोलना चाहिए, अच्छे से भी तो चलाती है भाई लड़की, ऐसा थोड़ी खराब से चलाती है। तुम अपने गाड़ी में लिखवाई जो बोले थे, लिख डाल दी मम्मी, इसको एक श्लोक लिखने बोली थी गाड़ी में, अहो याद है इसको, चलत विमान कोलाहल होई अस रघुवीर कहे सब कोई। लगाई कहाँ? बीच में लगा दो, यहाँ लगा दो यहाँ। अच्छा हम गाड़ी नहीं चलाते बहन, लगाने का भी टेंशन रहता है। हेलो, हॉस्टल है इधर? अभी अपनी फ्रेंड से मिलने आया हुआ, शी इज माय फ्रेंड साना। हेलो हाय, इतना फॉर्मल ऑफ। ये देखो आज तो तुमको पूरा ब्लॉग मिलेगा ऊपर से लेके नीचे तक, यही मेरी दोस्त है। अंदर तो धूप नहीं है लेकिन चश्मा लगा के अच्छा लग रहा है भाई। कहाँ गई कहाँ गई? अरे हमको बुझा ही नहीं रहा है किधर है क्या है। खुद तो कोल्ड हो जाओ, फिर कोल्ड ड्रिंक लाना, यहाँ जो चढ़ाओगे भगवान को समर्पित हो जाएगा, सोच समझ के रखना। ठीक है, अब इसको नहीं लोगे वापस? ठीक है।
पापा अलग है, हमारे अलग है। हम लोग अपने पापा को हल नहीं कर सकते, मारेंगे तो तुम। अच्छा हम अपने पापा को गला मिल लेते हैं, यही बात ना भाई? सुनो ना, हम गला मिलते हैं फिर खाते हैं दूध। आप खाने के लिए तैयार हो तब हग करो, समझ रही हो बात को? सब शर्मा जा रही है भाई। नहीं गाइस, हम कभी ऐसे कैमरा के सामने ऐसे नहीं आए। देखो ना गाइस, गाइस हम नहीं करते हैं भाई असली ब्लॉगर। इसके पापा लिटरली अभी कलकत्ता घूमने गए हैं और अगला महीना गोवा घूमने जा रहे हैं। यार तुमको बोलो यार तुम पापा को कि तुमको जाना है घूमने। नहीं बोल सकते, अगर एग्जाम नहीं होता तुम जाती पापा के साथ गोवा? अब तुम बाहर जाएगी मैं ये खरीदने रहे। इतना अरे मत कर खातिरदारी भाई, हम लाते हो ना। नहीं नहीं नहीं, हमसे काहे इतना पूछ रही हो? नहीं पूछो, नहीं आदत है हमको इतना। हम तो बोलते जो लाना दो लाना। हॉस्टल में पानी वाला मैगी मिलेगा गाइस। हम कब बोले हैं कि तुम फंटा वाला मैगी बना कर दो? चूल्हा रखी हुई है क्या बहन? नहीं इंडक्शन है ना। अच्छा लाइट अभी कटा हुआ आएगा तो बन पाएगा। आओ आओ बैठा, किसी ने खा लो गाइस। भाई यही सब चीज तो मजा आता है करने में, सस्पेंस में खा लो। अभी रश्मि पढ़ने वाली लिखने वाली बच्ची है तो वो लाइब्रेरी जा रही है। लाइब्रेरी नहीं जा रही हो? कपड़ा देना आंटी को। तो तुम पढ़ोगे ना? जाएंगे अभी उनको देखो कुछ सारा सच बोल देती है। तुम हंस खा रही हो भाई, हंसते हंसते गाड़ी रोक दी पागल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज पूरे ब्लॉग में खाली मेरी दोस्त ही सब है। ये देखिए सिरो चाट रहा है चॉकलेट, मत करो। खत्म हो गया फिर भी ये हाथ चाट जा रहा है। एक ही रुपए मिलता था ना पहले भी, अब इसका दोस्ती हो गया है कशिश से। देखो ब्लॉग में सुंदर सुंदर लड़की सबको लाते रहते ताकि मेरा भी धंधा पानी चलता रहे। हम बोले थे ना कि तुमसे दोस्ती इसलिए रखे हैं कि तुम अच्छी हो इसलिए नहीं, तुम सुंदर हो इसलिए। तो बेस्ती करेगा बता तुम... कि नहीं आप सुंदर नहीं है। अरे यार जो बेस्ती करेगा वो फिर उसका आंख में दिक्कत है। बस करो शिरो, मेरे को खाने दो, पूरा खत्म कर दिए खुद। ये देखिए ना यार, ये हम लोग एक रुपए के खाते थे। यही मेरी दोस्त है, देखिए ये जेंजी वाली दोस्त नहीं है मेरी, ये 90s वाली दोस्त है भाई। जेंजी है सब कुछ है, दोनों कॉम्बिनेशन है भाई। पुराना वाला चॉकलेट खरीद के लाई है, ये खरीद के लाई है, टेस्टी था यार लिटरली। कैसे बैठा हुआ है गुदिया में सिरुआ, कोची हुआ तुमको? साला दुनिया में किसी को कडल करने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसको मिल रहा है पूरा, वो इतनी सुंदर लड़की के बाहों में। उफ, हम थक गए, घर आ गए, अभी चेंज कर रही है व्लॉग डाल रहे से। एक घंटा पहले घर आए, मेरी फ्रेंड आई तो उसके साथ बैठे कुछ देर, उसको ठेकुआ दिए थे खाने के लिए, आधा खाई आधा छोड़ दिया लड़की। कटहल का अचार दिया खाने के लिए। चेंज करेंगे, मोबाइल वोबाइल साइड करके बैठ कर मूवी देखेंगे। उस रूम में मूवी दे रहा भूल भुलैया, पुराना वाला भूल भुलैया 2 नहीं, भूल भुलैया अपना वाला। तो मस्त मूवी देखेंगे बैठ कर, चिल करेंगे। मच्छर इतना है कि हाफ पैंट पहनने का मन ही नहीं है यार। चेंज करके आज चिल करेंगे। कभी कभी बहुत मन होता है भाई कि आराम से बैठ करके टीवी देखें, बहुत टाइम हो जाता है टीवी देखे हुए। बहुत जोर से सुसु लगा है, पहले सुसु जा रहे हैं उसके बाद जाके टीवी देखेंगे बैठ करके। फोन चार्ज में लगा देते हैं, चार्ज रहना जरूरी है गाइस, नहीं तो धंधा पानी कैसे चलेंगे? यूट्यूब से सैलरी आने वाला है मेरा, ब्लॉगिंग तो करना पड़ेगा ना। जिस चीज से मजा और पैसा दोनों आने लगे तो फिर क्या चाहिए जिंदगी में, पर उसको भी बैलेंस करना जरूरी है भाई। ऐसा नहीं कि हम व्लॉगिंग से बोर नहीं होते हैं, कभी कभी बोर भी होते हैं, वेरी नेचुरली हम टेलिंग यू। ना फेस वॉश करना ताकि हमको फ्रेश, ताकि हमको फ्रेश फील हो, लेकिन हमको ये जो मेकअप किए मैंने क्यों चाहिए हटाने का मन नहीं कर रहा है। हमको हमेशा दोनों चीज चाहिए होता है, ईबी या ऊबी। राधा को बाधा हुई है मंजुलिका की। उस रात बहुत अजीब चीज हुआ, भूत नहीं आ गया था घर में, लेकिन अब जो हुआ अगले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको अगला ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, फोन सीधा आपको ब्लॉग में पहुंचेगा।